morning students, today we are going to continue chapter 3rd of Indian society, that is Indian sociologist. In last video we have discussed about A.R. Desai and his thoughts on Marxism and very specifically on welfare state, and we have discussed about some parameters of welfare state. Actually every country or the every state is claiming itself as welfare state. So A.R. Desai given some parameters to evaluate or to assess the welfare state, is any country a welfare state or not. Today we will discuss about M.N. Srinivas. As I told you earlier in the previous lecture that M.N. Srinivas is a modern sociologist and he was student of G.S. Ghuri, who was founding father of sociology as a discipline in India. So students, M.N. Srinivas के बारे में बात करें तो लाइफ स्केच, एक्चुअली मैंने आपको कई जो भी हम लोगों ने पढ़े हैं, चाहे शरतचंद्र रॉय हो, चाहे अय्यर हो, या फिर आपके A.R. देसाई हो, G.S. Ghuri हो, D.P. मुखर्जी हो, सबका एक बायोपिक मैंने आपको प्रोवाइड किया है और यहाँ पर भी हम लोग M.N. Srinivas का एक बायो स्केच डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं M.N. Srinivas के बारे में जो भी उनके थॉट्स थे मैंने उनको मेंशन कर रखा है. बायो स्केच के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो M.N. Srinivas अर्लियर ब्रिटेन गए थे एज अ प्रोफेसर, ठीक है, लेकिन वहाँ वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाए. फिर वो इंडिया आए और इंडिया में उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, टीचिंग स्टार्ट की. फिर फाइनली जब वो सेटल हुए, वो ब्रिटेन गए, वहाँ सेटल हो नहीं पाए. इवन दो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी इन ब्रिटेन, लेकिन उनको वहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. वो स्वदेश वापस आए, ठीक है, अपने नेटिव लैंड वापस आए. नेटिव लैंड वापस आने के बाद एक उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाने गए, लेकिन वहाँ भी वो ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाए. और फिर फाइनली वो दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर वो अपॉइंट हुए. तो फाइनली वो अपॉइंट कहाँ हुए? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में. नाम भले ही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, लेकिन स्टूडेंट्स वहाँ पे स्टडी सोशियोलॉजी की भी होती थी. और M.N. Srinivas का जो लैंडमार्क और हम कह सकते हैं ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो रहा है एक हमारे साउथ इंडिया जो है वहाँ की एक ट्राइब है, दैट इज़ कुर्ग, ठीक है. कुर्ग एक कोडागू नाम का एक रीजन है साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में हम लोग कर्नाटका में जाते हैं, कर्नाटका में एक रीजन है दैट इज़ कोडागू. कोडागू के बारे में हम लोग बात करें तो कुर्ग नाम का एक रीजन है. कोडागू रीजन में रहती है कुर्ग कम्युनिटी, और उस कुर्ग कम्युनिटी पर M.N. Srinivas ने एक लिखी बुक, द सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स इन साउथ इंडिया. द सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स इन साउथ इंडिया, ये कुर्ग कम्युनिटी की स्टडी उन्होंने की. और स्टडी के बाद उन्होंने जो कंसेप्ट दिया दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, और आज की डेट में भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है. और इस कुर्ग कम्युनिटी को लेकर जो उन्होंने इनडेप्थ स्टडी किया, उसने M.N. Srinivas को इंडिया में और इंडिया की सोसाइटी की स्टडी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना लिया और टाइमलेस बना दिया. ये स्टडी में M.N. Srinivas ने जो कंसेप्ट दिया दैट वाज ऑफ संस्कृताइजेशन, दैट वाज ऑफ संस्कृताइजेशन. स्पेल मैं आपके सामने यहाँ लिख लेती हूँ, संस्कृताइजेशन. अब स्टूडेंट्स M.N. Srinivas ने ये जो कंसेप्ट दिया ऑफ संस्कृताइजेशन, इसमें M.N. Srinivas बताते हैं कि कैसे जो हमारी सोशल हायरार्की है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रा, तो हमारी ये जो सोशल हायरार्की है इसमें लोएस्ट स्टेज पर जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी कैसे अपर कम्युनिटी बन जाती है आफ्टर सम जनरेशंस और आफ्टर यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन. बात है दरअसल ऐसी, आप यूं समझने की कोशिश करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्रा, अकॉर्डिंग टू M.N. Srinivas जो कुर्ग कम्युनिटी की उन्होंने स्टडी की थी, कुर्ग
ये शूद्र कम्युनिटी हैं। एमन श्रीनिवास बताते हैं कि ये कुर्ग कम्युनिटी एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो माइग्रेट कर जाती है, ठीक है, प्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो माइग्रेट कर रही है। माइग्रेट करने के बाद ये जो कुर्ग कम्युनिटी है ये अपने कस्टम्स को छोड़ देती हैं, इनकी जो कस्टम्स और जो प्रैक्टिसेस हैं उन सबको वो ड्रॉप कर देती हैं, उन सबको वो छोड़ देती हैं। और फिर माइग्रेट करने के बाद ये कुर्ग कम्युनिटी क्या करती हैं, वो अपर कास्ट की जो कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उसको अडॉप्ट कर लेती हैं, ठीक है, वो उसको कर लेती हैं अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू एम एन श्रीनिवास। और अडॉप्ट करने के बाद आफ्टर सम जनरेशंस वन और टू जनरेशन ये कुर्ग कम्युनिटी जो कि शुद्रा कम्युनिटी थी वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, इन अपर कास्ट। यूं समझें, देखो स्टूडेंट्स, हाइपोथेटिकली रजनी इज बिलोंग टू एनी शुद्रा कम्युनिटी, रजनी शुद्रा कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और रजनी एक विलेज में रहती थी। अब रजनी भीलवाड़ा आ गई, ठीक है, रजनी माइग्रेट कर गई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भीलवाड़ा में रजनी को कोई नहीं जानता है, तो इस कंडीशन में रजनी ने क्या किया, रजनी ने अपने जो शुद्रा कम्युनिटी वाले प्रैक्टिसेस थी उन सबको ड्रॉप कर दिया। शुद्रा कम्युनिटी के जो नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस थी रजनी ने उन सबको ड्रॉप कर दिया और अब रजनी ने जैन और ब्राह्मण कम्युनिटी के जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्टार्ट कर दी हैं, उनके वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो अब रजनी जैन प्रैक्टिस कर रही हैं, जैन वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर चुकी हैं और शुद्रा कम्युनिटी को छोड़ चुकी है, तो रजनी को यहाँ कोई जानता तो था नहीं। तो अब रजनी ने अपना जो सरनेम था वो चेंज कर दिया एज रजनी जैन। तो अभी तो रजनी जैन है और आफ्टर सम जनरेशंस जो है वो मेरी कमिंग जनरेशंस वन और टू जनरेशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर जैन हो जाएगी। अभी तो रजनी इज़ अ हाइब्रिड जैन, मीन्स सोशल स्टेटस मेरी कन्वर्ट हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है फ्रॉम शुद्रा टू जैन, बट रजनी इज स्टिल हाइब्रिड, ठीक है। लेकिन मेरी कुछ जनरेशंस जो हैं, जो कमिंग जनरेशंस हैं, वो बन जाएगी प्रॉपर जैन। ये है संस्कृताइजेशन। आपने मालूम भी होगा आपको कि भीलवाड़ा की ही मैं आपको बात बताती हूँ कि भीलवाड़ा में जो सुथार कम्युनिटी विच इज़ ओबीसी, भीलवाड़ा के ओबीसी जो है वो भी शर्मा टाइटल यूज़ करते हैं। भीलवाड़ा का ओबीसी यूज़ कर रहा है टाइटल कौन सा, शर्मा, विच इज़ ब्राह्मण। ये है संस्कृताइजेशन कि जो ये ओबीसी है इसने अपने प्रैक्टिसेस को ड्रॉप करके इसने कौन से प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया है, ब्राह्मण वैल्यू को और ब्राह्मण प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया उन्होंने और वही प्रैक्टिस कर भी रहे हैं, तो अब वो क्या बन गए, ब्राह्मण बन गए। ये है संस्कृताइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर किसी की भी फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं देन आई एम सॉरी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एम एन श्रीनिवास का संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट 12th क्लास में इन डिटेल आप पढ़ने वाले हो। और एम एन श्रीनिवास भी खुद मन से तो ये चीज़ें कह नहीं रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल एम्पेरिकल स्टडी किया है ऑफ द कुर्ग रीजन और उसके बाद उन्होंने वो स्टडी दिया है, तो वी शुड बी वेरी न्यूट्रल और हमको रिसर्च को थोड़ा सी प्रमोट करना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो किसी भी तरह से आप अपने सेंटिमेंट्स को लेकर थोड़ा सी भी इमोशनल नहीं हो। अब हम लोग स्टूडेंट्स बात करने जा रहे हैं, एम एन श्रीनिवास जब इंडिया में आए और उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, डे बाय डे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। और मीनवाइल एम एन श्रीनिवास ने बहुत सारे मैटर्स को स्टडी किया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी किया। कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी किया, उनका पहला सब्जेक्ट तो था विलेज, अनदर वन सोशल चेंज। आप 12th क्लास में जब आएंगे तब सोशियोलॉजी आप पढ़ेंगे और सोशियोलॉजी में आप एम एन श्रीनिवास का एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑफ सोशल चेंज। एम एन श्रीनिवास बताते हैं कि सोसाइटी चेंज कैसे होती हैं। आर सोसाइटी वॉज ट्रेडिशनल अर्लियर बट नाउ वी आर बिकमिंग वेस्टर्न। ड्रेस कौन सी पहनी है, इंडो वेस्टर्न। अब हम डे बाई डे वेस्टर्न होते जा रहे हैं, तो ये वेस्टर्नाइजेशन है क्या, ये एम एन श्रीनिवास ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। संस्कृताइजेशन के अंडर क्या हो रहा है, हमारी सोशल आइडेंटिटी चेंज हो रही है ना। अर्लियर रजनी वॉज नोन टू यूज टू नो एज शुद्रा, लेकिन अब रजनी किस में कन्वर्ट हो गई, एज जैन। तो क्या हुआ, सोशल आइडेंटिटी चेंज हुई मेरी,
तो इस तरह से सेकुलराइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन, इसको लेकर एम एल श्रीनिवास ने स्टडी किया। लेकिन जो अदर कंसेप्ट हैं सोशल चेंज से रिलेटेड, हम लोग 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके 11th स्टैंडर्ड में CBSE ने अभी इंक्लूड किया है जस्ट वन थॉट ऑफ एम एल श्रीनिवास, एंड दैट इज ऑन विलेज। अब विलेज क्या है, इसको लेकर क्या स्टडी करनी चाहिए, ये हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको भी अजीब सा लग रहा होगा ना कि एम एल श्रीनिवास इतना अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक उन्होंने स्टडी किया है, दूसरे टॉपिक्स की भी उन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की है, तो विलेज में ऐसा क्या पढ़ा है जो एम एल श्रीनिवास ने उसकी स्टडी की। हमको तो कुछ इंपॉर्टेंस मालूम नहीं पड़ती है विलेज की। ऐसे ही कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे एम एन श्रीनिवास के टाइम पर कुछ दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ने, जो ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि एम एन श्रीनिवास क्या विलेज की स्टडी कर रहे हैं, विलेज से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कास्ट। कास्ट सिस्टम आपको मालूम है कि कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, एंड इट इज़ आर बर्थ बेस्ड आइडेंटिटी। तो एम एल श्रीनिवास को कास्ट के बारे में स्टडी करना चाहिए, एम एल श्रीनिवास को रिलीजन की स्टडी करनी चाहिए, और दूसरे टॉपिक से कॉलोनियलिज्म के बारे में स्टडी करें, क्योंकि दैट टाइम इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो कॉलोनियलिज्म की स्टडी करें, अदर सोशल रिलेशंस की स्टडी करें, गांव में ऐसा क्या पड़ा है। गांव का स्टडी करना, विलेज का स्टडी करना इज इररिलेवेंट। ये दूसरे लोगों का आर्ग्यूमेंट था, एम एन श्रीनिवास ने काउंटर करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए अपने सब्जेक्ट को, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि विलेज इज स्टिल इम्पॉर्टेंट इन इंडियन सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज इंडिया लिव इन विलेजेस। हमारी मोर देन 80-90% पॉपुलेशन दैट टाइम विलेजेस में रहती थी। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर कि 90% पॉपुलेशन रह रही हो, वहाँ की स्टडी करना इरेलेवेंट कैसे हो सकता है, ये एम एन श्रीनिवास ने आर्ग्यू किया। सामने से एक और आर्ग्यूमेंट आ गया, भाई लोग तो चेंज होते रहते हैं, आज आप एक विलेज में हो, कल किसी दूसरे विलेज में जाएंगे आप, तो लोग तो अपनी जो प्लेस है, हैबिटेट है, वो तो चेंज करते रहते हैं, तो फिर स्टडी तो हमको लोगों की करनी चाहिए, क्योंकि विलेज तो कंटिन्यूसली चेंजिंग है। एम एन श्रीनिवास वापस काउंटर करते हैं, नो, इवन द विलेज इज चेंजिंग, मीन्स आपका प्लेस जो है, रेजिडेंस जो है, वो चेंज हो रहा है, लेकिन विलेज बेस्ड जो आइडेंटिटी है आपकी, इट इज अनचेंजेबल। कैसे अनचेंजेबल है, वो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देने वाली हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपने कई बार लोगों की जो फोर व्हीलर्स हैं और टू व्हीलर्स हैं, या फिर लोगों के घरों के बाहर जो नेम प्लेट लगी रहती हैं, आपने वहाँ पे एक टाइटल पढ़ा होगा, बेसिकली राजपूत कम्युनिटी, जो लैंडलॉर्ड कम्युनिटी और फ्यूडल कम्युनिटी रही है इन इंडिया, तो आपने वहाँ पे एक बार पढ़ा होगा ठिकाना बदनोर, ठिकाना बनेड़ा, ठिकाना बड़लियास, ठीक है, इस तरह से आपने ठिकाना करके कुछ पढ़ा होगा। एम एन श्रीनिवास इसी को आर्ग्यू करते हैं। एम एन श्रीनिवास कहते हैं कि इवन दो ह्यूमन बीइंग्स एक विलेज से दूसरे विलेज में माइग्रेट कर जाते हैं, या फिर विलेज टू अर्बन माइग्रेट करते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो फ्रॉम विलेज टू अर्बन ह्यूमन बीइंग्स अपना हैबिटेट तो चेंज कर लेते हैं, अपना रेजिडेंस तो वो चेंज कर लेते हैं, लेकिन विलेज बेस्ड आइडेंटिटी को वो चेंज नहीं कर पाते, और वो भले ही शहर में रह रहे हों, लेकिन फिर भी अपनी आइडेंटिटी वो कहाँ से यूज़ करेंगे, फ्रॉम देयर विलेज। आपके लिए एक क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आप जब रिप्लाई करेंगे तब मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी कि पंजाब के गवर्नर के बारे में मैंने आपसे क्यों पूछा। यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में चाहो तो कहीं से भी सर्च करके आप मुझे रिप्लाई करें, विद इन 30 सेकेंड्स आई विल रिप्लाई यू, एंड वी विल डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटी विच इज़ बेस्ड ऑन विलेज। 30 seconds, countdown starts now.
ये स्टूडेंट्स नाउ टाइम अप। पंजाब के गवर्नर हैं वी पी सिंह बदनोर। ठीक है स्टूडेंट्स, वी पी सिंह बदनोर, आपने भी सर्च किया होगा तो आपको भी यही टाइटल मिला होगा, पंजाब के गवर्नर वी पी सिंह बदनोर। वी पी सिंह वॉज अ रेजिडेंट ऑफ बदनोर, भीलवाड़ा का एक रीजन है बदनोर। ठीक है, छोटा से छोटा नहीं, बहुत अच्छा विलेज है, हिस्टोरिकल, वहाँ पे फोर्ट भी है। ठीक है, भीलवाड़ा का एक रीजन है बदनोर। बदनोर के रहने वाले थे वी पी सिंह। वी पी सिंह की किस्मत ऐसी चमकी कि वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बने, नॉट वंस ट्वाइस वो मेंबर ऑफ राज्यसभा बने। ये बनने के बाद उनकी किस्मत और भी चमकी कि वो गवर्नर बन गए ऑफ पंजाब। आप समझ पा रहे हैं कि गवर्नर बन गया कोई विलेज का रहने वाला एक बंदा, जो कि मेंबर ऑफ राज्यसभा बना, और उसके बाद वो कहाँ गया, वो गवर्नर बन गया, और वो सीएम बनने की भी वो रेस में था। तो ऐसा बंदा भी अपनी विलेज बेस्ड आइडेंटिटी को नहीं छोड़ पाया, और आज भी उनका नेम, वैसे तो उनका बर्थ बेस्ड नेम है वी पी सिंह, सिंस विलेज इज अ नेसेसरी सोशल आइडेंटिटी, हम अपने आप को अपने विलेज से, जो विलेज में रहने वाले थे वो अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो वी पी सिंह का नाम क्या हो गया, वी पी सिंह बदनोर, जो कि वो अभी यूज़ करते हैं। आप चाहे न्यूज़पेपर में पढ़ें, चाहे इंटरनेट पर सर्च करके देखें, आपको यही चीज़ मिलेगी। तो यही एम एन श्रीनिवास हाईलाइट करना चाहते हैं कि इवन दो ह्यूमन बींग्स अपना, आजकल तो वी पी सिंह यहाँ रहते भी नहीं है, बदनोर भी नहीं रहते, ही इज अ रेजिडेंट ऑफ पंजाब। ठीक है, वो चंडीगढ़ में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना सरनेम, अपना गांव नहीं भूले हैं। यही एक इम्पॉर्टेंस से, सिग्निफिकेंस से ऑफ द स्टडी ऑफ विलेजेस। कंटिन्यू करें, द इम्पॉर्टेंस ऑफ विलेज इज चेंजिंग। आगे श्रीनिवास बताते हैं, आगे श्रीनिवास थोड़ा सी डिफर करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स ने विलेज को आइडेंटिफाई किया है कि विलेजेस जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, विलेजेस जो हैं वो एकदम स्टेबल रहते हैं, वो चेंज नहीं होते, तो ब्रिटिशर्स ने विलेजेस को कैसे उन्होंने शोकेस किया, एज स्टेबल, नॉन चेंजिंग, सेल्फ डिपेंडेंट एंटिटी। बहुत अच्छे से सुने, स्टेबल, नॉन चेंजिंग, सेल्फ डिपेंडेंट एंटिटी। तो एम एन श्रीनिवास कहते हैं, आर्ग्यू करते हैं, डिफर करते हैं फ्रॉम द ब्रिटिश स्टडी, और श्रीनिवास कहते हैं कि हमारे विलेज जो हैं वो कभी सेल्फ डिपेंडेंट रहे ही नहीं हैं, और आज की डेट में भी विलेजेस कहीं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे विलेज से बिलोंग करते हैं, आप हमको बताएं कि क्या आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स विलेज में फुलफिल हो जाती हैं। मुझे मालूम है, अगर आपको मैं एक फ़ाइल लाने के लिए कहूँ तो आपको विलेज में शायद वो कलर फाइल का ना मिले। तो विलेजेस जो हैं वो पॉसिबली नहीं है कि सेल्फ डिपेंडेंट हो। तो एम एन श्रीनिवास ने यहाँ डिफर किया, श्रीनिवास वापस कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि विलेज स्टेबल है, नॉन चेंजिंग है, विलेजेस आर डायनामिक, वो चेंज हो रहे हैं, और रेगुलरली वो चेंज होते रहते हैं। पहले विलेजेस जो थे यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ज़्यादा थी, आज की डेट में वो चेंज हो रहे हैं, उनका भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। ये एम एन श्रीनिवास आर्ग्यू करते हैं। अब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए एम एन श्रीनिवास की हम लोग पढ़ते हैं कि स्टडी की सिग्निफिकेंस क्या रही है, उन्होंने जो स्टडी की ऑफ विलेजेस, आखिर उनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस ये है कि इट प्रोवाइड्स एन इनसाइट व्यू ऑफ विलेजेस। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, दैट टाइम इंडिया की अराउंड 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, इन विलेजेस। इसलिए अगर आपको इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो इट इज़ नेसेसरी कि सबका साथ और सबका विकास हो। अब सबका विकास हो तो इस सबका में तो 90% विलेजेस आते हैं। अब विलेजेस में क्या, क्यों, कैसे चल रहा है, ये सब कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो ये मालूम करने के लिए, एक क्रूशल और रियल फैक्ट प्रोवाइड करने के लिए एम एन श्रीनिवास की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। और इसी स्टडी ने हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि रूरल इंडिया के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वहाँ की सोसाइटी कैसी है, इन सब चीज़ों को जानना
और वहाँ पे क्या क्या प्रैक्टिसेस है उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी बना पाएँ जिससे कि मोर एंड मोर बेनिफिशरीज बन पाएँ। तो इसके लिए एम एन श्रीनिवास ने कुछ फैक्ट्स प्रोवाइड किए हैं जो कि पॉलिसी मेकर्स को जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की फॉर सबका साथ एंड सबका विकास। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव कम्प्लीटेड दिस बुक दैट इज़ इंडियन सोसाइटी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट मोबिलाइज योर सेल्फ एंड स्टार्ट योर स्टडीज फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।